रामगंज थाना अंतर्गत जॉन्सगंज चोरी गली में रहने वाली शकुंतला देवी के जमाई योगेश मिश्रा की जेब से अज्ञात चोर हजारों की नकदी चुराकर फरार हो गया। पीड़ित युवक ने रामगंज थाने में चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित योगेश मिश्रा ने बताया कि वह अपने ससुराल 2 दिन पहले आया था। उसकी जेब में 42,000 और उसकी पत्नी के पर्स में 2,000 रुपए रखे थे, जो अज्ञात शातिर चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरी कर फरार हो गया। यहाँ मेरा ससुराल है जॉन्सगंज में। यहाँ मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर वाइफ को लेने के लिए आया था। कल जो है परसों हम रेल उद्यान घूमने के लिए गए थे और वहाँ से जैसे हम घूम करके आए तो भोजन वोजन करके और हम लोग रेस्ट में चले गए तो मेरी जींस में मेरा पर्स था। पर्स के अंदर आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और ये जो मेरे अन्य जो आईडी प्रूफ वगैरह हैं ये सब मेरे उसके अंदर मौजूद थे, फ़ोटो वगैरह, और लगभग 38,000 रुपये की राशि उसके अंदर पर्स के अंदर थी। और लेफ्ट वाली जेब में मेरे 4,500 रुपये है करीब, वो थे मेरे जो छोट मोट खर्च के लिए हमने रख रखे थे। और वाइफ का जो पर्स था उस पर्स के अंदर भी 1,500 से 2,000 रुपये उनके महिला के हिसाब से उनके पास थे। जब रात्रि में लेट आए तो सुबह हम थोड़ा लेट उठे, 7 बजे करीब हम लोग उठे, हमने देखा कि भाई क्या आए, थोड़ा देखा भाई क्या, उन्होंने कहा पानी की प्रॉब्लम चलती है अजमेर में तो अपने को पानी की टंकी लगाने की है मम्मी के लिए। तो मैंने भाई ये तो मकान थोड़ा पुराना है, जर्जर हो रहा है, एक बार अपन जाके देख लें भाई 300 लीटर की रखने लायक भी है कि नहीं है जगह। तो हम इसको देखने के लिए बस ये सीढ़ियाँ 10-12 सीढ़ियाँ ही हैं, छत आ जाती है और ये पुराने मकान है, एक दूसरे छत कनेक्टेड है। हम जैसे ही देखने गए तो मैंने वहाँ देखा कि मेरी जो जीन्स जो मैंने मेरे कमरे में टांगी थी वो और मेरी वाइफ का जो पर्स है, लेडीज़ पर्स, ये दोनों हमें ऊपर पड़े हुए मिले। उनका पर्स खुला हुआ था, मैंने तुरंत जेब चेक करी, इसमें पैसे बिल्कुल गायब थे। पर ज़्यादा हम बिल्कुल अक्के बक्के रह गए। हमने तत्काल प्रभाव से उन चीज़ों को वहीं रखते हुए और संबंधित जो रामगंज चौकी है इस पर हमने इन्फॉर्म किया, शिवराज जी करके पुलिस वाले हैं उनको इन्फॉर्म किया, टेलीफोन से भी किया, वैसे भी किया। और उसके बाद वो यहाँ आए, उन्होंने इनको देखा, सारा फोटो वोटो खींचे, सारा जायज़ा लिया और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा भाई आप रामगंज जा करके एक FIR दर्ज करा दो। तो हम वहाँ गए, वहाँ CI साहब से मिले, भोगा राम जी से और समुद्र जी से मिले, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, मैंने साहब ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है और मैं कोटा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, अब मेरी तो स्थिति बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी उचित और आवश्यक करेगा। कितने पैसे दोनों के मिला थे? लगभग 45,000 के लगभग थे सर। और कोई आइटम? बस सर और तो सब सेफ है सर, क्योंकि उसमें था ही ना पर्स, पर्स पर्स मेरा और वो लेडीज पर्स तो मिल गया, उसके अंदर जो पैसे थे एक छोटे पर्स के वो पैसे गए। ये हमारी जो सासु हैं उनका मकान है, ससुराल है मेरा, ये शकुंतला देवी शर्मा नाम। आप लोग कब आए थे? हम आए थे परसों सर। जगह कौन सी है? ये जॉन्सगंज चौड़ी गली। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।